चलो फिलहाल क्वेश्चन ये था कि दो पार्टिकल हैं, उसको एयर में प्रोजेक्ट किया जाता है, दो पार्टिकल दोनों को एयर में फेंका जाता है एक ही स्पीड से, दोनों ऑब्जेक्ट को एक ही स्पीड से फेंका जाता है, वो स्पीड है वी नॉट। एंगल्स हैं थीटा 1 एंड थीटा 2, यानी अलग अलग एंगल पर फेंका जाता है। इफ द हाइट रीच्ड बाय फर्स्ट पार्टिकल इज ग्रेटर देन द सेकेंड, अगर हाइट पहले वाले पार्टिकल की हाइट दूसरे वाले पार्टिकल से ज्यादा हो, जैसे दो पार्टिकल, हमने कहा कि दो पार्टिकल फेंके गए हैं, दोनों एक ही स्पीड से फेंके गए हैं, बट दोनों के एंगल्स अलग अलग हैं, थीटा 1 और थीटा 2। तो अगर क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर पहला वाला पार्टिकल दूसरे वाले पार्टिकल के कंपेरिजन में ज्यादा हाइट कवर करता है, देन टिक द राइट चॉइसेस। तो आपको चार चॉइसेस दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक या दो या फिर सारे सही हो सकते हैं, जो राइट होगा उसको आपको टिक करना होगा। स्क्रीन शेयर कर रही है हिमांशी, आप देख सकते हैं क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हो गया सभी का? चलिए तो क्वेश्चन ऐसा कह रहा है कि दो पार्टिकल हैं, दोनों पार्टिकल की हाइट पहले वाले की हाइट जो है वो दूसरे वाली पार्टिकल की हाइट से ज्यादा है, यानी H1 इज ग्रेटर देन H2, है ना। और H का फॉर्मूला क्या होता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। तो यू की जगह पर दिया हुआ है वी नॉट, तो हम लिख देंगे वी नॉट स्क्वायर साइन थीटा 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2 डिवाइडेड बाय 2G। इसमें किसी को प्रॉब्लम है बताओ, यहां पे किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इतने में? अब ये वी स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर से वी नॉट स्क्वायर कट जाएगा, 2G से 2G कट जाएगा, बचेगा साइन स्क्वायर थीटा 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा 2। तो यहां से अगर स्क्वायर हटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साइन थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 2 आ जाएगा, और अगर इक्वल्स टू नहीं आएगा, सॉरी ग्रेटर देन आएगा, इक्वल लगा दिया मैंने। अब देखो साइन थीटा 1 की वैल्यू जो है वो साइन थीटा 2 से बड़ी है, ये तभी हो सकता है जब थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से बड़ा हो जाए। यानी पहला ऑप्शन जो हमें दिया हुआ था, पहला ऑप्शन दिया हुआ था थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, ये आंसर सही है, ठीक है। दूसरा वाला चेक करते हैं, दूसरे वाले में क्या दिया बेटा, T2 ग्रेटर देन T1 दिया है या T1 इज ग्रेटर देन T2 दिया हुआ है, T1 ग्रेटर देन T2। चलो देखते हैं, चेक करते हैं भाई, हम टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करते हैं, तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, R1 T1 इक्वल्स टू क्या होगा, T1 इज इक्वल्स टू होगा 2U साइन थीटा 1 अपॉन G, और T2 क्या होगा, 2U साइन थीटा अपॉन G, है ना, क्योंकि यहां पे थीटा 2 होगा, क्योंकि साइन देखो वी नॉट यहां पर रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी यहां पर भी वी नॉट रहेगा। अब देखो ये वैल्यू सेम है, जी सेम है, डिपेंड किस पर करेगा, साइन थीटा 1 और साइन थीटा 2 पर। हमने देखा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 से ऑलरेडी बड़ा है, यानी साइन थीटा 1 जो है साइन थीटा 2 से बड़ा होगा, इसका मतलब है जो T1 है वो T2 से बड़ा होगा, होगा ना, T1 ग्रेटर देन T2, ये भी समझ में आ गया। अब अगला जो टॉपिक दिया है वो R1 ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है, R1 ग्रेटर देन R2, इसमें भी देख लेते हैं, तो R की वैल्यू क्या होती है, R इज इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, यहां पर R2 इक्वल्स टू V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, सही है, यहां पर थीटा 1 कर लेते हैं, यहां पर थीटा 2 कर लेते हैं, क्लियर। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड कर लेते हैं, थोड़ा R1 अपॉन R2 कर लेते हैं, R1 अपॉन R2 करेंगे तो V नॉट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, G से G कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन 2 थीटा 1 अपॉन साइन 2 थीटा 2। अगर हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दें तो 2 साइन थीटा 1 कॉस थीटा 1, 2 साइन थीटा 2 कॉस थीटा 2,
टू से टू कैंसल, साइन थीटा वन कॉस थीटा वन डिवाइडेड बाय साइन थीटा टू कॉस थीटा टू। दिख रहा है सभी को? अब बताओ इसमें क्या आंसर होगा? कंपेयर करने के बाद हमें क्या आंसर दिख रहा है और क्या आंसर हो सकता है? आर वन ग्रेटर देन आर टू हो सकता है कि आर टू ग्रेटर देन आर वन हो सकता है? सेम है, मतलब आर वन बड़ा है, आर टू बड़ा होगा। अच्छा देखो, इसमें जब तक हमें थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू ना दिया हो, जब तक हमें थीटा वन और थीटा टू की वैल्यू ना दिया हो, तो हम ये नहीं कह सकते कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा। जब तक वैल्यू नहीं देगा तब तक हम ये नहीं बता सकते कि कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। क्यों बोलो, क्यों? होता क्या है कि साइन थीटा वन और थीटा टू, क्योंकि थीटा वन जो है थीटा टू से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है साइन बड़ा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। लेकिन ये जो वैल्यू है थीटा वन जो थीटा टू से बड़ा है, या कॉस की वैल्यू जो है वो प्लस में है या माइनस में है, ये हमें पता नहीं है। मतलब प्लस माइनस का मतलब एक्यूट एंगल से तो छोटा है, बट वैल्यू कितनी है ये हम कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि कॉस में कॉस की दिक्कत होती है। कॉस में क्या होता है, अगर हम फंक्शन देखें कॉस का, तो कॉस का फंक्शन कुछ ऐसे होता है, यहां से स्टार्ट होता है ऐसे कुछ। मतलब थीटा वन अगर ये है और थीटा टू ये है, तो कॉस की वैल्यू क्या होती है, थीटा बढ़ने के साथ क्या हो रही है, घटती है। थीटा बढ़ने के साथ कॉस की वैल्यू घटती है एक कंडीशन पर, और यहां पर आते ही थीटा की वैल्यू कॉस की वैल्यू बढ़ने लगती है। तो कॉस की वैल्यू ये है, मतलब थीटा की वैल्यू यहां पर है या थीटा की वैल्यू यहां पर है, हम कंसिडर नहीं कर सकते। बट साइन में ऐसा नहीं होता, साइन क्या करता है, अगर थीटा बढ़ रहा है तो साइन की वैल्यू बढ़ती ही है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इस वजह से इसमें हम कह नहीं सकते कि कौन बड़ा होगा, तो इसको हम गलत ही मान करके चलेंगे। ये ऑप्शन सही ऑप्शन नहीं होगा, एग्जैक्ट ऑप्शन सही नहीं होगा, ठीक है? चलो अगला क्वेश्चन देखो। ए बी एंड सी आर, हाँ, नॉन कोलिनियर एंड नॉन कोप्लेनर। ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, व्हाट कैन यू से अबाउट द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी? क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी ये तीन नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हैं एंड नॉन कोप्लेनर वेक्टर हैं। नॉन कोलिनियर नॉन कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है? तो आपको बताना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसके डायरेक्शन के बारे में बताना है कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या होगा। फाइंड द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी। अच्छा बताइए, अगर हम बी और सी ले लेते हैं, तो बी और सी का जो रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा? बी क्रॉस सी का डायरेक्शन क्या हो सकता है या होता क्या है? बी क्रॉस सी का, बी क्रॉस सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर्स, दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। वेक्टर बी के भी परपेंडिकुलर होगा और वेक्टर सी के भी परपेंडिकुलर होगा। यही पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि अगर बी क्रॉस सी करते हैं तो बी क्रॉस सी का मतलब ये है कि बी क्रॉस सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड सी वेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ये बी वेक्टर है ये सी वेक्टर है, तो इनका जो रिजल्टेंट होगा बी क्रॉस सी वो कैसा होगा? बी क्रॉस सी ऐसा होगा, देखो ऐसे, जैसे ये मार्कर मैंने रख दिया, रखा है मार्कर,
इसकी डायरेक्शन कैसे? परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर ही तो है ना, बी और सी दोनों के परपेंडिकुलर है। तो ये हो गया डायरेक्शन वेक्टर ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन, ये हो गया, ये हो गया बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। इसको करने के लिए हम राइट हैंड रूल लगाते हैं, कौन सा? राइट हैंड रूल लगाते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हमेशा राइट हैंड रूल का फॉलो किया करो। जैसे हमें फाइंड करना है बी क्रॉस सी, फाइंड करना है बी क्रॉस सी, तो आपको करना क्या है, अपने हाथ को ऐसे खोलिए और बी से सी की तरफ मोड़िए, उंगली को बी से सी की तरफ मोड़िए। अगर हमें बी क्रॉस सी फाइंड करना है तो हम उंगली को ऐसे, अपने पाम को ऐसे एक्सपेंड करेंगे और उंगली को बी से सी की तरफ मोड़ेंगे। बी से सी की तरफ मोड़िए तो अंगूठा जिस डायरेक्शन में जाएगा वो बी क्रॉस सी की डायरेक्शन होती है। अगर हमें सी क्रॉस बी फाइंड करना होता तो हम ऐसे रखते और नीचे की तरफ घुमाते, तो अंगूठा कहाँ जाता? परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, इस प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की तरफ। और अभी क्या हो रहा है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ आ रहा है बी क्रॉस सी। बी क्रॉस सी कहाँ जा रहा है? प्लेन से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, ऐसे ऐसे दिख रहा है, समझ में आ गया? तो बी क्रॉस सी की जो डायरेक्शन होगी वो होगी परपेंडिकुलर बाहर की तरफ। इतना तो क्लियर हो गया। अब जो वेक्टर ए है, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि वेक्टर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर, मतलब तीनों एक ही लाइन पर तो नहीं है, यानी वेक्टर बी इधर जा रहा है तो वेक्टर सी इधर गया, ये नॉन कोलिनियर बना दिया हमने। अब साथ ही साथ कह रहा है नॉन कोप्लेनर भी है, यानी अगर बी और सी इस प्लेन पर लाई कर रहे होंगे तो ए जो होगा वो इस प्लेन पर तो लाई नहीं कर रहा होगा, जो ए होगा। हाँ, बी और सी भी एक प्लेन पर नहीं हो सकते, लेकिन बेटा अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर से हम एक प्लेन तो ड्रॉ कर ही सकते हैं ना। हमारे पास अगर दो वेक्टर हैं तो दो वेक्टर को हम एक प्लेन पर तो मान ही सकते हैं, हम कोई भी प्लेन बना देंगे आर्बिट्रेरी। जरूरी थोड़ी ना है कि हमारी एक्स वाई जेड कोई भी प्लेन हो, जरूरी है हमेशा कि एक्स वाई जेड प्लेन ही होगा हमारा। हम प्लेन किसी को भी मान सकते हैं, हम तो फ्री है ना रेफरेंस फ्रेम मानने के लिए, हम तो रेफरेंस फ्रेम किसी को भी मान सकते हैं। इसी के लिए तो रेफरेंस फ्रेम है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ाया गया था आप लोगों को स्टार्टिंग में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये होता है कि आप कहीं से भी किसी ऑब्जेक्ट को देख सकते हो, आपका इनिशियल पोजीशन कोई भी हो सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि आप एक्स वाई जेड एक्सिस ही हमेशा मानोगे। भाई एक्स वाई जेड एक्सिस आपने मान तो लिया, बट प्लेन आपको दूसरी जगह मिल रहा है, ऐसे तिरछा मान लीजिए प्लेन, बिल्कुल आप फ्री हैं। बात समझ में आई? तो हम दो वेक्टर को एक प्लेन पर मान सकते थे, यानी दो वेक्टर के लिए हम फ्री थे, एक प्लेन से पास करा सकते थे। यानी ये दो वेक्टर जो है हमने उस पर एक प्लेन मान लिया, और इस पे क्या किया, इसके परपेंडिकुलर, इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, बी क्रॉस सी होगा। अब जो ए होगा, और ये बी क्रॉस सी जो होगा, ए और बी क्रॉस सी, इसका हमें क्रॉस करना है। देखो बी क्रॉस सी का क्रॉस किसके साथ करना है, ए के साथ करना है। तो जो ए वाला प्लेन होगा और जो बी क्रॉस सी होगा, अब इसका जो डायरेक्शन होगा, जो ए वाला प्लेन होगा और बी क्रॉस सी जो होगा, इसका जो डायरेक्शन होगा, ये दोनों के फिर से परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये दोनों के परपेंडिकुलर फिर से हो जाएगा कि नहीं? तो बताओ अगर एक वेक्टर, जैसे इस प्लेन के परपेंडिकुलर मैंने एक प्लेन बनाया, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वाला हो गया ऐसे, इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये हो गया बी क्रॉस सी। अब बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर आप किसी भी डायरेक्शन में, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर आप किसी भी डायरेक्शन में कोई भी वेक्टर ड्रॉ कर दो, वो हमेशा क्या होगा, इस बी और सी कंटेनिंग प्लेन के पैरेलल ही होगा, होगा कि नहीं? भाई आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इसके परपेंडिकुलर आप यहां ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे जैसे इसके परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, इसके परपेंडिकुलर भी होना चाहिए ना। यही तो कहते हैं कि बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा, जब ए का क्रॉस वेक्टर करेंगे बी क्रॉस सी के साथ तो उसका वेक्टर होगा परपेंडिकुलर टू दिस वेक्टर, हमें इस वेक्टर से मतलब है, बी क्रॉस सी से मतलब है, बी क्रॉस सी के परपेंडिकुलर होगा हमेशा, चाहे इस डायरेक्शन में कहीं पर भी होगा, चाहे कहीं पर भी आप कंसीडर कर लो परपेंडिकुलर ही होगा। और अगर बी क्रॉस सी जो है वो के परपेंडिकुलर होगा तो जाहिर सी बात है प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, वो प्लेन जिसमें बी और सी होगा उसके पैरेलल होगा, होगा कि नहीं?
यानी हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज पैरेलल टू द प्लेन कंटेनिंग क्या बी एंड सी, जिस प्लेन पर बी और सी लाई करेगा उसके पैरेलल होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का डायरेक्शन। समझ में आया कुछ? अच्छा क्वेश्चन था। इस तरह के क्वेश्चंस मिलने चाहिए, अच्छे दम अच्छे वाले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन हिमांशी का और है, देखो हिमांशी वो क्वेश्चन दिखाना जिसमें एक डायग्राम था ये वाला कुछ ऐसा। ऐसा कुछ सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए हिमांशी का क्वेश्चन दिखा रही हो, देखिए। देख लिया होगा सभी ने, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए देखिए समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन में यह लिखा हुआ है कि एक पार्टिकल है प्रोजेक्ट किया जाता है एयर पे किस एंगल के साथ, बीटा एंगल के साथ। ये दिखा हुआ देखो, यहां पर एक बीटा एंगल से इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया गया, बीटा एंगल के साथ फेंका जाता है, जबकि जिस सरफेस से फेंका गया है ये वाला सरफेस ये ऑलरेडी हॉरिजेंटल के साथ, अर्थ हॉरिजेंटल के साथ ये अल्फा एंगल क्रिएट कर रहा है। यानी एक ऐसा स्लोप है जो ऐसे है, इस पे खड़े होकर के इस पॉइंट से बीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया किसी ऑब्जेक्ट को। आपको फाइंड करना है, फाइंड एन एक्सप्रेशन ऑफ रेंज ऑन द प्लेन सरफेस। इस पर रेंज का हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है, रेंज के लिए एक्सप्रेशन फाइंड करना है यानी फॉर्मूला फाइंड करना है रेंज के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फाइंड करना है और किसके लिए फाइंड करना है, और किस एंगल पर बीटा एट विच रेंज विल बी मैक्सिमम, यानी किस एंगल पर बीटा की किस वैल्यू के लिए जो रेंज होगा वो मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सॉल्यूशन देखें। सभी को आ गया ना क्वेश्चन समझ में? चलो अगर हम देखें, हम एक्स वाई प्लेन मानते हैं, यानी हमें एक्स वाई प्लेन मानना पड़ेगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, और जरूरी नहीं कि हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम इसी को माने। हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं इसको, ये वाली लाइन हम एक्स एक्सिस मान ले रहे हैं, ये लाइन हमारे लिए एक्स एक्सिस होगी और इसके परपेंडिकुलर एक लाइन होगी जो वाई एक्सिस क्रिएट करेगी, कुछ ऐसा। समझ में आई ये? हमने क्या किया, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को चेंज किया। पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये था, बट अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, ये इस प्लेन के अकॉर्डिंग हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस बना लिया। अब अगर हम वी नॉट की बात करें, ये जो स्पीड से फेंका गया है इसको ऊपर की तरफ वी नॉट स्पीड से, तो इस वी नॉट स्पीड की दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, वी नॉट स्पीड के दो कॉम्पोनेंट हो सकते हैं, एक तो इस डायरेक्शन में होगा और एक इस डायरेक्शन में होगा, v नॉट cos बीटा और क्या हो जाएगा v नॉट sin बीटा, थीटा नहीं बेटा बीटा, यहां पर एंगल क्या बन रहा है बीटा एंगल है ना, तो बीटा एंगल लेंगे। अच्छा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कहां वर्क करेगी, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ब्रेक आएगी, बट ये जो पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है क्या हुआ हाँ, तो परपेंडिकुलर नहीं है ना, क्योंकि उसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, यहां पर एक कंपोनेंट जो है वो परपेंडिकुलर होने वाला है। कौन सा कंपोनेंट? एक कंपोनेंट ये होगा जी का और एक जी का कंपोनेंट ये वाला होने वाला है, ये दो कंपोनेंट होंगे जी के। अब देखो जो ये वाला कंपोनेंट है
वो मैक्सिमम हाइट के परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना? तो क्योंकि जी भी जो है एंगल बना रहा है ना, यहां से कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल क्रिएट करता है बेटा, अल्फा एंगल क्रिएट करता है। ये जो सरफेस है ना, ये जो सरफेस है इसके इक्वल एंगल यहां पर क्रिएट करेगा, तो ये हो जाएगा हमारा जी कॉस अल्फा और ये हो जाएगा जी साइन अल्फा। समझ में आया? नहीं, उसका यूज नहीं है, जी कॉस अल्फा का यूज है बस। ठीक है, समझ में आया इतना? अब चलिए, टाइम ऑफ फ्लाइट तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। देखो टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर्मूला क्या होता है, 2u sin थीटा अपॉन g होता है ना, ये फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन g। तो चलिए लगा दीजिए, t इज इक्वल टू आ जाएगा 2v0 sin थीटा, यानी इसका ये वाला कंपोनेंट v0 sin बीटा अपॉन, और इसके अगेंस्ट में जी का कंपोनेंट कौन सा है, जी कॉस अल्फा। देखो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया तुरंत, जो हमें माथा पच्ची करनी है वो रेंज में करनी है बस। समझ में आया? रेंज के लिए देखिए, यहां बुक में भी, क्योंकि रेंज बेटा इसके बिना आ ही नहीं सकती ना रेंज, प्रॉब्लम ये होगी, हमें रेंज का फॉर्मूला लगाना है, वो वाला फॉर्मूला जो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, उसमें t की जरूरत पड़ेगी हमें, और t आसानी से पहले आ सकता है, इसीलिए पहले इसको सॉल्व किया गया है। ठीक है, तो भाई अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस को हम रेंज लिख सकते हैं, ये वाले डिस्टेंस को हम रेंज लिख रहे हैं, आर इज इक्वल्स टू ux t, यानी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी, माइनस हाफ gt2। और यहां पर g कौन सा लगेगा बेटा, g कौन सा लगेगा, g लगेगा g साइन अल्फा। देखो ये जी साइन अल्फा, और क्या लगेगा, टी स्क्वायर लगने वाला है। तो अब फॉर्मूला अब तो आ गया, समझ आ गया होगा, ये हो जाएगा वी नॉट कॉस बीटा, टी की वैल्यू ये पुट कर दो, 2v0 sin बीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, माइनस ज्वाइन कर लेना वापस, माइनस 1/2 g sin अल्फा और 2u v स्क्वायर। अब तो कर लोगे सॉल्यूशन इसका, अब तो आ जाएगा, बस कैलकुलेट करना है अब तो, और कुछ करना नहीं है। समझ में आ गया? और इसके लिए आर मैक्स वाली जो कंडीशन है, जो आर मैक्सिमम के लिए हमें बीटा फाइंड करना है, उसकी कंडीशन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ी सी कुछ न्यूमेरिकल्स और पढ़ लो तब फिर इसको पढ़ाने में मजा आएगा। जो मैक्सिमम की कंडीशन है वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड पर है, यानी आपको डिफरेंशिएशन फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में करना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, ये चीज हम लोग सीखेंगे। कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स और लगा लें उसके बाद, ठीक है?